हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वो जो ओल्ड जादूगर होता है जिसका पीछा उस टेंपल के नाइट्स कर रहे होते हैं, इससे पहले कि वो टेंपल नाइट्स इन सभी के पास पहुंचे इन्हें गिरफ्तार कर पाते, यहाँ जादूगर जो होता है उन सभी को लेकर के अपने आगे की जर्नी तय करने का सोचता है। इसके लिए वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर जो कि एक स्पाइडर क्वीन होती है उसे सम्मन करता है, लेकिन वो स्पाइडर क्वीन काफी ज्यादा खूंखार होती है जिसके ऊपर काबू कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। और वो स्पाइडर क्वीन यहाँ सभी पे हमले करने लगती है, लेकिन उस जादूगर को हम देखते हैं कि वो अब उस स्पाइडर क्वीन के ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ पे उसके ऊपर एक ऐसा मंत्र पढ़ता है कि वो स्पाइडर क्वीन अब पूरी तरह से उसके वश में आ जाती है। इस दौरान हम दुवे को देखते हैं कि यहाँ उस स्पाइडर क्वीन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपने हॉर्न्स को एक्टिवेट कर दिया होता है। देखते ही वो हुसैन और रेड काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दुवे तो यहाँ पे एक ह्यूमन होता है, आखिर उसके सर पे ये हॉर्न्स जैसी चीज क्या है। जिसपे दुवे अब अपने छोटे से हॉर्न्स को छुपाने की कोशिश करते हुए उन्हें बताता है कि मैं एक ह्यूमन ही हूँ, ये जो हॉर्न्स है ऐसा कुछ इसमें है नहीं, ये बस मेरे आसपास की मैजिक पावर को सेंस करने के लिए मुझे स्ट्रेंथ देते हैं। जिसपे जादूगर उन सभी को ये रिवील कर देता है कि दुवे के सर पे ये जो हॉर्न्स है वो डेविल के हॉर्न्स है, और इससे पहले कि वो टेम्पल नाइट्स हमें यहाँ पे ढूंढ पाए, सभी लोग इस स्पाइडर के ऊपर सवार हो जाओ क्योंकि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। सभी लोग तो उस स्पाइडर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ सभी के पास अपने एक अलग अलग राज होते हैं जो वो एक दूसरे से छुपा रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिस्टीरियस वो ओल्ड जादूगर होता है जो ये डिसाइड करता है कि अपनी इस जर्नी के दौरान वो इनके सारे सवालों का जवाब दे देगा। इतने में हम उस चूहे को देखते हैं जो कि जद्दोजहद कर रहा होता है, उस स्पाइडर पे बैठने के लिए अपनी जगह बना रहा होता है। तो दुवे उससे कहता है कि तुम्हें भी मेरे पास आके ही बैठना जरूरी है, क्या तुम अपने साइज को छोटा नहीं कर सकते। तभी हम उस चूहे को देखते हैं कि वो जल्द से अपने साइज को छोटा कर लेता है और जाके यहाँ दुवे के गोद में ही बैठ जाता है। इस पे दुवे उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुमने यहाँ हिलने डुलने की भी कोशिश की और मेरे बॉडी के अंदर जाने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें इस स्पाइडर का लंच बना दूंगा। अब आगे उनकी जर्नी शुरू होती है जहां हम उस स्पाइडर क्वीन को देखते हैं कि वो अपने सामने आने वाली हर एक बड़े छोटे पेड़ को रौंदते हुए आगे बढ़ रही होती है। यहाँ जादूगर उनके सवालों का जवाब देना शुरू करता है। इसके लिए वो सबसे पहले एक ऐसे लेटर को अपेयर करता है जो कि आधा कटा हुआ होता है। यहाँ उस लेटर को दिखाते हुए उन सभी से कहता है कि चाहे तुम अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करो या ना करो, डेस्टिनी ने ही हम सबको यहाँ पे साथ में मिलाया है, और बस यहाँ फर्क इतना है कि तुम सभी से पहले मुझे इसके बारे में बहुत पहले ही पता चल चुका था, और ये जो लेटर तुम लोग मेरे हाथ में देख रहे हो ये एक सुसाइड नोट है जो कि एरगन रोलन ने ही अपनी मौत से पहले लिखा था। इसमें एरगन के लास्ट वर्ड होते हैं और उसके साथ साथ उसने एक भविष्यवाणी के बारे में भी बताया था, क्योंकि जो एरगन रोलन था वो सुपर नेचुरल एबिलिटीज का मास्टर होने के साथ साथ उसमें कुछ ऐसी पावर्स होती थी जो कि सिर्फ गॉड के पास ही होती है। लेकिन हम यहाँ दुवे को देखते हैं कि वो जादूगर की इन सभी बातों से काफी चिढ़ रहा होता है। वो इस भविष्यवाणी को बेकार मानता है और उसे यहाँ लग रहा होता है कि वो बस बिलीवर्स को बेवकूफ बनाने का उसका एक ट्रिक था। इस पे जादूगर ये कहते हुए कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो जब तक अपनी आंखों से कुछ देख ना ले उन्हें सब कुछ अंधविश्वास लगता है, इसलिए वो उस लेटर को दुवे के देते हुए इसे जोर से पढ़ने को कहता है। अब उस लेटर में एरगन रोलन ने लिखा होता है कि मेरे वंशज ही मेरे ब्लड को रिप्लेस करेंगे, और उसने अपनी मौत से पहले अपनी एम्पायर में होने वाले उन सभी हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में काफी डिटेल से लिखा था जो कि पिछले हजार सालों में होने वाली थी। और इन हिस्टोरिकल इवेंट्स में ये लिखा होता है कि एक लड़का जो कि ईस्ट की तरफ से आएगा जो कि उसके एक्चुअल मिशन को इनहेरिटेंस करेगा, मतलब कि वही उसके मिशन को पूरा करने वाला होगा, और ये जो लड़का होगा वो अपनी इस जर्नी में एक बहुत बड़ी बीस्ट का खात्मा करेगा जिसके माथे पे डेविल्स के हॉर्न होंगे, और आगे उसकी जर्नी में क्वीन मिडिसा भी उसके साथी होगी, इनकी रक्षा उस लाइट ऑफ टेंपल का लास्ट नाइट करेगा। अब ये सुनते ही वो जो चूहा होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ चीख चीख के सभी को कहने लगता है कि इसका मतलब यही है कि एरगन रोलैंड का नया उत्तराधिकारी और कोई नहीं बल्कि दुवे ही है। दुवे जैसे ही उस लास्ट नाइट की यहाँ बात पढ़ता है उसे यकीन हो जाता है कि ये लास्ट नाइट और कोई नहीं बल्कि हुसैन ही है। उसे अब तक की अपनी जर्नी याद आने लगती है कि इस लेटर में जो कुछ लिखा हुआ है वो तो उसके साथ ऑलरेडी हो चुका है। तभी हम उस ओल्ड जादूगर को देखते हैं जो कि दुवे को उसके ख्याल से बाहर निकालता है और उसे आगे लेटर पढ़ने के लिए कहता है। आगे लेटर में लिखा रहता है कि वे लोग मेरे ही फुटस्टेप को फॉलो करते हुए नॉर्थ की तरफ जाएंगे जहाँ पे उन्हें मेडुसा के हेल्प से उस मिस्टिकल बीस्ट की मदद मिलेगी, और फाइनली वो लोग अपनी डेस्टिनी पे पहुंचेंगे जहां उन्हें मेरी लेगेसी मिलेगी जो मैंने मरने से पहले छोड़ा था। अब ये लेगेसी यानी कि विरासत एक राजा की तलवार होती है जिसे एरगन रोलैंड ने ही मरने से पहले पीछे छोड़ा था, और जो कोई बंदा उस तलवार को बाहर निकालेगा वही उसका अगला सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी होगा। और इससे पहले कि वो आगे और कुछ पढ़ पाता लेटर का इम्पोर्टेंट पार्ट फट चुका होता है।
जिस पे दुए के पूछने पर वो ओल्ड जादूगर उसे बताता है कि ये लेटर का आधा पार्ट किसी चूहे ने कुतर दिया है। मैंने काफी मुश्किलों के बाद ही एरेगन रोलैंड की कब्र से इस लेटर को निकालना था। इस पे सभी लोग उस चूहे की तरफ शक भरी निगाह से देखने लगते हैं, तो चूहा उन सबको बताता है कि वो मॉस मैं नहीं था जिसने इस आधे लेटर को खाया है। अब आगे जादूगर उन्हें बताता है कि बस यही रीजन था कि वो दुए को अपने साथ लेकर के नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे नॉर्थ की तरफ जाने से ही उन्हें एरेगन रोलैंड द्वारा छोड़े गए ऐसे अवशेष मिलेंगे। साथ ही भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग उस राजा की तलवार भी उन्हें लेगेसी के तौर पे वहीं मिलेगी, और सिर्फ एरेगन रोलैंड के वंशज ही उस पत्थर में से उस तलवार को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ दुवे इन सभी बातों को बकवास मानता है कि वो राजा का तलवार और वो लेगेसी वाली बात इस सब को बेकार वो कह रहा था, क्योंकि ये तो उसका मिशन ही नहीं था और किसी ने भी उससे नहीं पूछा कि वो क्या चाहता है, वो खुश है कि नहीं, वो इस जर्नी पे जाना चाहता है कि नहीं। जिस पे जादूगर अब यहाँ दुवे को रिवील करता है कि जिस टाइम तुमने उस डेविल के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया था, या उसी समय से कह सकते हैं, या तो फिर ये कह सकते हैं कि जब से तुम पैदा हुए तुम अपनी इसी किस्मत के साथ ही पैदा हुए, और चाहे तुम अब इसे एक्सेप्ट करो या ना करो तुम अपनी इस डेस्टिनी को इनकार नहीं कर सकते। इस पे दुवे यहाँ ये कहते हुए कि भाड़ में जाए उस एरेगन रोलैंड की लेगेसी, और मुझे किसी भी टेम्पल से फाइट नहीं करना है, मुझे ऐसी कोई डेस्टिनी को फॉलो नहीं करना है जो मुझे मौत के कगार पे ले जाए। अब आगे दुए यहाँ हुसैन पे निशाना लगाते हुए कहता है कि तुम तो इस कॉन्टिनेंट के नंबर वन नाइट थे, जिसका सिला तुम्हें क्या मिला, उस टेंपल ऑफ लाइट ने तो तुम्हें 1000 साल पहले कर्स कर दिया और वहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दिया, इवन कि अब वो सारे लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं और तुम्हें हंट करने के लिए कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं तुम्हें। आखिर इस बकवास मिशन में तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो? मैं तो बस एक मामूली सा नोबल मैन था जो कि बिना किसी मकसद के बस अपनी लाइफ खाने और सोने में गुजारना चाहता था, और तुम लोग किसी ऐसे बंदे के व्हील पे जो कि 1000 साल पहले ही मर चुका है मुझे ऐसे जर्नी पे ले जा रहे हो जहाँ मैं खुद जाना नहीं चाहता। अब इतनी भाषणबाजी करते हुए दुवे जो होता है उन सभी से मुंह फुला करके किनारे बैठ जाता है। इस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे रात हो जाती है, जहाँ हम ओल्ड जादूगर को देखते हैं कि वो उन सभी को रेस्ट करने को कहता है। आगे सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें उस कुचले हुए पेड़ों को दिखाया जाता है जो कि वो स्पाइडर क्वीन रौंदते हुए आगे बढ़ रही थी। हाँ, उन्हें कुचले हुए पेड़ को देखते हुए दुबे सोच रहा होता है कि अगर इन्हें अपनी किस्मत के बारे में पता था कि ये एक दिन इसी तरह से कुचले जाएंगे तो क्या ये कभी राइज होने की हिम्मत करते, और उन्हें अगर पता चलता है कि इनका अंत इसी तरह से होने वाला है तो क्या ये जानते हुए भी ये अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करते। कि तभी उसके पास वहाँ पे शैमिल आती है जो उसे समझाती है कि अगर तुम अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो मत एक्सेप्ट करो। ट्रीज के पास तो पैर नहीं थे जिससे वो अपनी किस्मत से भाग सकते थे, लेकिन तुम्हारे पास तो है, इसलिए तुम इसकी फिक्र मत करो कि ये लोग तुम्हें किस बोरिंग मिशन पे ले जा रहे हैं, और तुम्हें उस डेस्टिनी को चूज करना चाहिए जो तुम खुद अपने हाथों से बना सको। कि अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और सभी लोग ये देख के हैरान रह जाते हैं कि वहाँ पे दुए है ही नहीं। सभी को यही लगता है कि दुए अब भाग चुका है। कि तभी दुए अपेयर होता है और उन सभी से कहता है कि मैं तो बस थोड़ा रिलैक्स करने गया था, और ये भी पता करने गया था कि मुझे यहाँ अच्छा ब्रेकफास्ट कहाँ मिल सकता है, क्योंकि जब आपका पेट भरा होगा तभी आपके अंदर किसी तलवार को उठाने की ताकत होगी। अब ये लोग उस फॉरेस्ट से निकल चुके होते हैं और यहाँ पे मेड्यूसा दुए के पास आती है और उसके नेचर को यहाँ जानने की कोशिश करती है कि पहले तो दुए ने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, तो फिर अचानक से इसे क्या हुआ कि ये अपने इस तरह के खात्मे को यहाँ एक्सेप्ट करना चाहता है। यहाँ क्वीन मेड्यूसा ये जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक होती है कि ह्यूमंस जो इस तरह का अचानक से डिसीजन लेते हैं क्या ये इनके नेचर के अंतर्गत आता है। जिसपे दुए से बताता है कि मैंने अभी भी अपनी किस्मत को एक्सेप्ट तो नहीं किया है, लेकिन मैं इस डैम डेस्टिनी से तो हार नहीं मान सकता, इसलिए मैंने यहाँ चूज किया है इस डेस्टिनी को ट्राई करने का, और ये सिर्फ मेरे लिए होगा ना कि उस एरेगन रोलैंड के लिए, क्योंकि बाद में मैं कोई पछतावे में नहीं रहना चाहता कि मैंने एक बार जाके वहाँ देखा भी नहीं कि आखिर वहाँ पे क्या लेगेसी थी। आगे दुए वहाँ पे आगे बढ़ता है और उन सभी से कहता है कि चलो अब जाके पता लगाते हैं कि आखिर हमारा मिशन और वो लेगेसी क्या है जो कि एरेगन रोलैंड ने मेरे लिए छोड़ी थी। और इसके साथ ही एपिसोड को यही फिनिश किया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।